lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. So in today's video, I'm going to be sharing with you 10 products that I'm currently obsessed with. ये एकदम random products होने वाले हैं. ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक category पे ही focus करूंगी. जिस भी चीज को मैं back to back use करे जा रही हूँ ना कुछ time से, मैं आपके साथ वो सब share करने वाली हूँ. And I'm really excited. बहुत random चीजें हैं. Beauty category में भी हैं. Then you know hair care है. I have a jewelry piece as well. Fragrance, candle, and a lot more like ऐसे random चीजें. So yeah, without any further ado, let's just get started with today's video. Alright, आज मुझे अपने बाल काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने आगे रखे हुए हैं. So अब मैं बालों की बात कर रही हूँ तो मैं आपके साथ सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो शेयर करूंगी. द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद आर दीज टू हेयर केयर प्रोडक्ट्स विच आर रिसीव फ्रॉम लोटस ऑर्गेनिक्स एंड आई लव यूजिंग देम टू कंट्रोल माई हेयर फॉल बिकॉज मुझे काफी हेयर फॉल होता है मॉनसून में भी एंड विंटर्स में भी. सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं दैट लोटस ऑर्गेनिक्स इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड देयर प्रोडक्ट्स आर मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन विच इज लोटस ऑर्गेनिक्स हेयर फॉल कंट्रोल रिवाइटलाइजर. नाउ दिस इज मेड विद प्योर कोल्ड प्रेस्ड 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंड ऑल्सो रेड अनियन एक्सट्रैक्ट. एंड इसका बहुत ही ऐसा लाइट वेट सा वॉटरी सा टेक्स्चर है, एकदम नॉन ग्रीजी है. सो इट्स नॉट गोना मेक द स्कैल्प और द हेयर ग्रीजी और ऑयली विच आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो ये इस तरह के पंप पैकेजिंग में आता है गाइज एंड इट्स अ लीव इन फॉर्मूला दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द हेयर फॉल. साथ के साथ मैं इसको बालों में लगाती हूँ बिकॉज इट जस्ट रियली मेक्स द हेयर वेरी स्मूथ manageable and kind of adds that volume to my hair because मेरे बाल पतले हैं. So एक हल्का सा like volume भी मिल जाता है मेरे बालों को. Especially मैं इसको अपने video shoot से पहले लगा लेती हूँ because बाल काफी से smooth से हो जाते हैं and manageable हो जाते हैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ. And then साथ साथ मैं फिर scalp पे भी लगा ही लेती हूँ because पता नहीं चलता है and बिल्कुल भी ऐसा कोई shiny या greasy सा look नहीं आता है बालों में. So मैं इस hair fall control revitalizer के 2-3 pumps लेके ना scalp पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ as well as मैं अपने बालों की length में भी लगा लेती हूँ and ये काफी जल्दी absorb हो जाता है guys. Plus it protects the hair from damage as well. It's also SLS and paraben free guys. Plus it maintains the pH of the hair which is great. Second product is Lotus Organics Hair Fall Control Revival Mask and it also has rosemary essential oil, red onion extracts and shea butter which helps to nourish the hair. काफी क्रीमी सा बटरी सा इसका टेक्सचर है. एज वी नो अनियन इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट टू कंट्रोल दी हेयर फॉल. प्लस ये काफी ज्यादा ना बालों को स्मूथ एंड हाइड्रेटेड भी बना देता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज शिया बटर इन इट. एंड क्योंकि मेरे बाल काफी फ्रिजी हो जाते हैं ना एट टाइम सो इट डज अ रियली नाइस जॉब इन कंट्रोलिंग द फ्रिजीनेस एज वेल. एंड गाइज विंटर्स में तो पूछो मत, बाल और भी ज्यादा डल एंड ड्राई हो जाते हैं एंड लिटरली बैंड बच जाती है बालों की विंटर सीजन में. बट आई फील दिस हेयर मास्क रियली हेल्प्स टू गेट बैक लाइफ टू माई हेयर एंड आई लाइक टू यूज दिस हेयर मास्क ऑन माई क्लीन and damp hair. Basically every time I shampoo instead of hair conditioner I go ahead and apply this hair mask. Shampoo करने के बाद ना guys simply मैं अपने बालों को दो sections में divide कर लेती हूँ और फिर मैं इस hair mask को लगाना start करती हूँ छोटे छोटे sections लेके. Basically root to tip में मैं अच्छे से इसको लगाती हूँ. So I like to take my own sweet time. मैं कोई भी section नहीं छोड़ती हूँ अपने बाल का, एक एक section पे अच्छे से hair mask लगा लेती हूँ. And I like to keep it on for 15 minutes and then I just wash it off and I can literally notice my hair being frizz free and moisturized after using this hair mask because of the fact that it has shea butter, red onion extract, so you know all of these amazing ingredients for the hair. And मैंने hair mask आज ही use किया था guys day time पे and हल्की सी straightening करी हुई है मैंने, ज़्यादा नहीं. So आप देख सकते हो कि बाल कितने ज़्यादा you know healthy लग रहे हैं. I'm really liking my hair and yeah I feel कि काफी ज़्यादा बालों की quality अच्छी हो गई है. एक hair mask तो आपको लगाना ही चाहिए. Both of these products have 100% organic ingredients in their purest form and it does not contain any harmful ingredients. So I would highly recommend you guys to check out these products by Lotus Organics. I'm going to mention their links in the description box below for you guys. And the best part is that you all can use my code which is mentioned on the screen and you can use it to get a lovely discount on your purchase. The next product that I'm currently obsessed with is the newly launched Faces Canada liquid lipstick and it's the comfy matte lipstick in the shade 11. I love the nude pinky sort of a color. Everyday wear shade hai ye. Plus guys, I am a huge fan of the फॉर्मूला. आई मीन इट इज सो क्रीमी. जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना लिटरली इतना क्रीमी मुझे फील होता है, इतना स्मूथली ग्लाइड हो जाती है ये लिप्स पे. प्लस इट इज नॉन ड्राइंग एंड ऑल्सो ट्रांसफर प्रूफ. सो मुझको ये कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. काफी सारे इंडियन स्किन टोन्स भी बहुत अच्छा लगेगा. इसका फॉर्मूला मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग मोर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज. वैसे मैं ऐसे रैंडमली पिक कर रही हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे जो सारा सामान बिछा हुआ है जो हाथ में आ रहा है वही उठा रही हूँ सबसे पहले, ठीक है. सो माई थर्ड ऑब्सेशन इज द लेयर वाटिकल्स वनिला ट्विस्ट बॉडी स्प्लैश और बॉडी मिस्ट, कुछ भी कह लो. सो ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आता है एंड गाइज ये इतना
इतना अच्छा यार, मतलब ओह माय गॉड, जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, एक आधा बंदा तो जरूर पूछता है कि कौन सा मिस्ट लगाया हुआ है, बिकॉज इट स्मेल्स सो एक्सपेंसिव, बट इतना ज्यादा सस्ता है. एंड इट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ दोज बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. इट इज नॉट वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट ठीक है, बॉडी स्प्लैश है तो इससे आप ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते कि पूरा दिन टिका रहे. सो आप इसको लाइक एवरी 2-3 आवर्स रिप्लेनिश कर सकते हो. एंड या काफी ज्यादा इसका लाइक वार्म स्वीट वनीला जैसा फ्रेग्रेंस है, नॉट वेरी ओवरपावरिंग वनीला, एंड समथिंग वेरी कामिंग. इफ यू आर अ वनीला फ्रेग्रेंस लवर, आई एम प्रीटी श्योर आपको काफी अच्छा लगेगा. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद आर दीज मेकअप रिमूवर पैड्स. ओ माय गॉड, ये मैंने इतने लेट डिस्कवर करे थे ना. सो ये मैंने मीशो से मंगवाए थे बहुत टाइम पहले. ये बेसिकली काफी ज्यादा हैंडी रहते हैं मेकअप हटाने के लिए. सो यू जस्ट हैव टू पोर माइसलर वाटर ऑन इट एंड रिमूव योर मेकअप. ट्रस्ट मी, इट रिमूव्स द मेकअप इन वन स्वाइप एंड बहुत ही ज्यादा यू नो सॉफ्ट रहते हैं स्किन पे, बहुत जेंटल रहते हैं एंड ये वॉशेबल होते हैं गाइस. तो मैं एक बार ये साइड यूज करती हूँ, एक बार ये साइड यूज करती हूँ, फिर जब दोनों गंदे हो जाते हैं फिर मैं वॉशिंग मशीन में सिंपली डाल देती हूँ. सो यार, दैट वॉज अनदर थिंग दैट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद. माई नेक्स्ट ऑब्सेशन हैज टू बी अ वेरी प्रिटी ब्रॉन्जर शेड फ्रॉम कसल लैशेज. कपकेक ब्रॉन्जर इन द शेड कोकोनट. इसको मैंने इतना यूज कर लिया दैट आई हैव लिटरली हिट पैन एंड यू कैन सी कि कितना प्रिटी ये शेड है. मैंने इसको तोड़ भी दिया था गिरा के एनीवेज. सो ये काफी सुंदर सा ना वार्म टोन्ड ब्राउन है एंड ये मीडियम टू विटी स्किन टोन्स प्लस अ लिटिल बिट डस्की स्किन टोन्स के लिए भी ना काफी सुंदर रहेगा. आई थिंक फेयर स्किन टोन्स वालों के लिए थोड़ा सा डार्क हो सकता है ये शेड, बट काफी इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत सुंदर लगेगा. इट इज अ मैट bronzer shade and plus it's pigmented as well. मैंने इसको आज यूज किया है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये यूज करती हूँ एंड आई लव टू यूज दिस. वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव, 225 और 250 रुपीज, नॉट श्योर. बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही अच्छा, तो आप ये भी डेफिनेटली चेकआउट करना. द प्रोडक्ट ब्लेंड्स इन टू द स्किन वेरी वेरी स्मूथली, प्लस इट डज नॉट हैव एनी किक बैक, विच इज अ ग्रेट थिंग. सो आई लव दिस पर्टिकुलर ब्रॉन्जर शेड कोकोनट्स फ्रॉम द कपी केक रेंज. नेक्स्ट अप, आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज पैंटी लाइनर्स फ्रॉम कार्मेसी. ओ माई गॉड, मैंने इतने पैड्स वगैरह यूज किए ना अपनी लाइफ में, बट कार्मेसी इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. सो बेसिकली पहले आई डिस्कवर्ड देयर पैड्स, बनाए स्टार्टेड वर्किंग विद देम. आई वर्क विद देम फॉर 2-3 मंथ्स एंड देन आई डिस्कवर्ड दीज पैंटी लाइनर्स एंड ओ माई गॉड, मैंने लिटरली फर्स्ट वाला पैक पूरा खत्म कर दिया. दिस इज माई सेकेंड पैक. आई डोंट यूज पैंटी लाइनर्स उतना ज्यादा, बट यू नो जब भी यूज करने का मौका मिलता है ना, आई जस्ट रियली लाइक दीज पैंटी लाइनर्स बिकॉज दीज आर वेरी सॉफ्ट. इट्स लाइक अ पैक ऑफ 20 पैंटी लाइनर्स, माई सेकेंड पैक, एंड ये बहुत ही ज्यादा पतला सा यू नो पैंटी लाइनर है. वेरी थिन एंड वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल एंड एब्सोल्युटली रैश फ्री. इन केस यू डोंट नो, पैंटी लाइनर्स हम तब यूज कर सकते हैं जब यू नो हमारा पीरियड्स का फ्लो बहुत कम होता है, बेसिकली ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर पीरियड्स, और मे बी इफ वी फेस एनी वाइट डिस्चार्ज और स्पॉटिंग, देन इन दैट केस अ पैंटी लाइनर कम्स रियली हैंडी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल का है. इट्स अ रीपर्चेस, सो दैट्स हाउ मच आई लव टू यूज यू नो देयर पैड्स एंड पैंटी लाइनर्स एंड आई कीप रीऑर्डरिंग देयर पैड्स एज वेल. आई एम नॉट अ टैम्पॉन और अ मेंस्ट्रुअल कप पर्सन एंड आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई बॉडी एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई कम्फर्ट. और मैं जिस चीज में कंफर्टेबल हूँ मैं वही चीज यूज करना प्रेफर करूंगी. आई मीन यू डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स के यू नो स्टार्ट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स, 10 years तक यू नो यू कैन यूज इट एंड एनवायरमेंट के लिए अच्छा एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, बट देयर आर मेनी गर्ल्स लाइक मी आर नॉट रियली कंफर्टेबल टू इंसर्ट अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बॉडी, देन इन दैट केस गो अहेड एंड कीप यूजिंग पैड्स एंड पैंटी लाइनर्स. Try this one, you know, if you also like to use pads and panty liners. The next product that I'm currently obsessed with is this jewelry piece, which I even featured in my previous video as a gifting option for Valentine's Day. So it's a beautiful necklace from Jiva and it's a 18 carat गोल्ड प्लेटेड समथिंग समथिंग स्टर्लिंग सिल्वर का कोई नेकलेस है जो कि बिल्कुल भी टार्निश नहीं होता है. बहुत ही ज्यादा सुंदर नेकलेस है. इसको मैं लिटरली बहुत पहनती हूँ. आई थिंक दिस इज माई मोस्ट वॉर्न नेकलेस. बहुत प्यारा लगता है. इट्स वेरी डेंटी, वेरी शीक, लुक्स वेरी वेरी क्लासी. इसको मैंने 100 बार तो पहन ही लिया होगा गाइज, और अपनी वीडियो में मैं बहुत बार पहन के बैठ चुकी हूँ. बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी ज्वेलरी पीस से ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ. माई नेक्स्ट ऑब्सेशन हैज टू बी लिप एंड चीक टिंट्स, बिकॉज लिप एंड चीक टिंट्स आर सो मच इन ट्रेंड एंड आई कीप ऑन ट्राइंग different brands, but currently I'm obsessed with this beach tint by Ilana and this is a beetroot pigmented lip plus cheek tint and it comes in this
roll on packaging and you just have to apply like this on your cheeks. मैं दोनों तरफ इसको ऐसे ऐसे करके लगा लेती हूँ and then I just blend with my fingers and I'm good to go. And ये बहुत ही natural सा you know flush of color दे देता है cheeks पे, which looks very natural. The formulation is very nice. It's long lasting as well. And yeah, ये बहुत ही ज़्यादा you know pretty tint है. Just look at how gorgeous it looks. Very natural it looks. ये बहुत ज़्यादा ऐसा like ऐसा चटक सा pink नहीं लगता है. So that's great. Very very pretty, very subtle you can see. Plus the formulation is also very nice. Not very thick, not very thin like watery, like Benetint वैसा भी नहीं है. Now जो मेरी अगली obsession है ना guys, वो भी महीनों की obsession है. And I think I'm obsessed with this product since 6 to 7 months. Basically जब से मुझे PR में receive हुआ है, मैं इसको back to back use करे जा रही हूँ. And it's the Rumair Cosmetics Marshmallow Sponge. And guys, this is the softest sponge I've ever used in my life. And मैंने जितने भी अभी तक beauty sponges use करे हैं ना, this one has to be the best one. Because ये marshmallow sponge है, so it's ultra soft, ultra squishy. And it just blends the makeup like a dream, the foundation, I mean. Only my God knows कि मैं इसको कितना ज़्यादा use करती हूँ, like back to back धो के फटाफट use कर लेती हूँ, although I have a lot of sponges. So this is basically in a teardrop shape and एक side इसकी से flat है, जिससे आप baking वगैरह भी easily कर सकते हो. It is very squishy, blends everything so seamlessly, guys. If you can try this one ना, please try this. I am pretty sure you're gonna fall in love with it. And yeah, very beautiful sponge. Would highly 110% recommend you guys. Alright, next up I have a candle obsession, you guys. So basically I really like Bath and Body Works candles and I have tons of them. Like मुझे बहुत पसंद है. So जब भी sale आती है ना, I keep on buying एक दो ऐसे ही. And मेरे पास पूरी ऐसे candle collection है अपनी. But there's this one particular fragrance, one particular variant of the Bath and Body Works candle which I've burned throughout December and January, because for me it's the perfect winter candle. So it's basically Bath and Body Works Champagne Toast Scented Candle. वैसे तो मैंने ये अपने स्टूडियो के लिए ली थी, बट ये मैं अपने घर पे बर्न कर रही हूँ काफी टाइम से. एंड everyone really enjoys the fragrance of this. Like you can see कि मैंने इसको कितना use कर लिया है and अब ये इतना सा बचा है, like literally इतना सा रह गया ये. And you know एक एक दो दो घंटा मैं इसको जलाती हूँ, not every single day but when I feel like burning a candle. So it's like fruity सा champagne-y fragrance, like berries and not very overly sweet. It's very beautiful. Like अगर आपको कभी भी मौका मिले ना ये fragrance sniff करने का उनके store जाके, go ahead and do that, because इनका body lotion आता है, body mist आता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो. And you know Bath and Body Works candles मुझे personally बहुत पसंद है, because the candle literally fills up the entire room. Yeah, that was it. And guys, my last obsession. अगर आप मुझे हमारे vlog channel पे follow करते हो, आपको पता होगा that I'm obsessed with Taco Bell. I love to have their cheesy double decker taco and a grilled cheese quesadilla. I love both of those things. Plus cheesy Mexican fries. And मुझे literally अभी आधी रात को मैं शूट करूँ, मुझे पानी आ रहा है मुंह में, इतना टेस्टी होता है सब कुछ. मेरा लाइक literally अब तो नाम पड़ चुका है, टाको तनेजा मुझे कहते हैं सब. That's something that I'm obsessed with since again months. महीनों का ऑब्सेशन बन चुका है ये. सो या दैट वॉज माई लास्ट ऑब्सेशन एंड विद दैट आई एम डन विद दिस वीडियो. दोज वर द टॉप 10 थिंग्स दैट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद. एंड या काफी अच्छी अच्छी चीजें सारी की सारी. एंड आई वुड रेकमेंड यू गाइज एज वेल टू ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ. मैं सारे ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज मेक श्योर यू गिव अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. इन केस यू गाइज वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम गोना लीव माई Instagram profile link in the description box below for you guys. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.